हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। सो अभी अभी मैंने डब्बा का लेटेस्ट ब्लॉग देखा और उसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अपनी सनी की नानी के यहाँ मिलने गई थी और वहाँ एक बच्ची उसने पकड़ ली, पता नहीं कौन बच्ची थी, और उसको वीडियो में दिखा रही है, उससे बातें कर रही है। ऐसे किसी बच्चे को आप वीडियो में नहीं दिखा सकते। इनकी 10-15 मिलियन, 10-15 मिलियन तो नहीं, मतलब 10-15 लाख की फैन फॉलोइंग है। इतने सारे लोग उस बच्चे को देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री के लोग देख रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की परमिशन के बिना अपने ब्लॉग में किसी भी बच्चे को नहीं ला सकते। सेकेंडली, जो मैंने थंबनेल लगाया है, मैं अब पिक्चर भी ऐड करूँगी दोबारा यहाँ पे, उसमें देखना कि इसने मेहर को, जब अपनी नानी के घर जाती है, मेहर अपनी कुछ तो ड्रेस ठीक कर रही थी और उसको शूट कर रही है। तो ये इतनी बेवकूफ़ है, अगर वो अपनी ड्रेस ठीक भी कर रही थी और इसने शूट कर लिया था तो इसको एडिट कर देना चाहिए था। और उसके 1 सेकंड बाद उसकी बिटिया खाला पीछे बैठ के नमाज़ पढ़ रही है, तो इसे इतनी अकल नहीं है कि थोड़ी देर वेट कर ले, उनके चढ़ी जाती है। इसको किस बात का इतना घमंड है कि ये कहीं भी बार्जिन कर सकती है, किसी के घर में घुस सकती है, किसी से ही बातें करना शुरू कर सकती है। इसे ज़रा भी पेशेंस नहीं है, इसको ज़रा सा वेट नहीं कर सकती किसी का। ये इतना ज़्यादा, मतलब इसको एंटाइटलमेंट की फीलिंग आ चुकी है कि सब लोग मेरे ही आगे पीछे घूमेंगे, मैं अपनी मर्जी से चलूंगी। उससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने देखा था, जब ये सोफा ले आई थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता, सोफा जैसी बड़ी चीज, साइज में बड़ी, पैसे का तो चलो छोड़ दो, साइज में बड़ी चीज, ये ऐसे शू रैक लेने गई, सोफा दिख गया, इसने पसंद करवा लिया, घर आ गया। ये किसी से कंसल्ट नहीं करती, ये अपने ससुराल में रह रही है। आते ही इसने पहले दिन ही अपना एक तो किचन अलग कर लिया, नया ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किचन बन रहा है। शुरू में बोला था हम तो चाय कॉफ़ी बनाने के लिए करेंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स, बट ये चाय कॉफ़ी बन रही है, या हलवा, छोले, मटन कबाब, बिरयानी, सब कुछ बन रहा है। ऊपर दाल चावल के डब्बे रखे हुए हैं। तो इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि नीचे जाके खाना नहीं बना सकती और ऊपर खाना बनाती रहती है? ऊपर बड़ा पूरा रूम इसने सेट कर दिया है ताकि नीचे ही ना जाना पड़े। तो बेसिकली अपने सास ससुर को पूरा अवॉइड कर रही है, उनके साथ बैठना नहीं चाहती, कभी नहीं दिखाती 2 मिनट भी कि उनके साथ बैठी हो, उनसे बातें कर रही हो, उनसे उनके लिए कुछ कर रही हो, उनके कपड़े धोए, सुखाया, उनका कुछ कुछ भी काम कर रही हो उनके साथ बैठ के। कुछ नहीं दिखाएगी, सिर्फ ये मौदा आती है ऊपर से, 2-4 बार किचन में जाएगी, प्लेटें उठाएगी, ये दाल है, ये सब्जी है, ये चावल है, अभी हम खाएंगे खाना, वो चटाई पर बैठ जाएंगे, फिर बस उसके बाद कट कर देंगे। पहले तो खाना भी दिखाते थे कि हम यही खा रहे हैं, चलो रे, उसके बाद क्या है, अब क्या करें? तब बेटी खाला के घर पहुंच जाएगी। बेटी खाला इसकी फ्रेंड लगती है, ये 2-3 महीने से तो बेटी खाला के साथ वहाँ बॉम्बे में थी, मीरा रोड वाले घर में, और ट्रेन में बैठ के आई है ये 17-18 घंटे। तो फिर अगले दिन फिर क्यों बेटी खाला के घर जाती है? ये बेटी खाला से अगर इसका इतना ही प्यार है तो फ़ोन पे बातें कर ले। ये 4 दिन के लिए मौड़ा आती है, उसमें आधा आधा दिन ये बेटी खाला के घर चली जाती है, फिर आधा दिन ये अपनी नानी के घर चली जाती है। ये 2 रीज़न है इसके, मैं बताती हूँ। एक तो इसको कंटेंट चाहिए होता है, मोदा के ऊपर वाले कमरे में बैठ के करेगी क्या? इसको कोई स्किल तो है नहीं, कुछ आता जाता तो है नहीं। और सास ससुर इसकी सॉलिड फटती है, उनके साथ ये बैठ नहीं सकती, ठीक है? तो ये बुलाती है मेहर को, तो मेहर से टाइम पास कराती है, कंटेंट बनवा लिया, चलो जी, अब कंटेंट बन गया। तो अब दो बाकी क्या करेगी ये? बाकी बेटी खाला के घर एक चली जाएगी दर्शन करने, फिर चली जाएगी नानी के घर में, थोड़ा और बन गया। फिर सनी, सनी तो आजकल से बात नहीं करता, सीधे मुंह दो तारीफें करेगा मरे मन से और 2-4 कमेंट मार देगा इसके मुंह पे, चल भाई हो गया काम, वो निकल लेता है। अब क्या करें फिर शाम को? अच्छा जी, चलो जी, चाय बनाने, चाय पिलाने ले चलता हूँ। तो 5 मिनट का वीडियो उसका चाय पीने में निकल जाएगा। ये नए जाएगी नीचे सीढ़ियाँ उतरती उतरती, कार का दरवाजा खोलेंगे, बैठेंगे, फिर 2-4 मुंडे हिलाएगी, फिर कार का चलते हुए सीन दिखा देंगे, चाय अच्छी आई है, चाय का सिप मारेगी, 2 बार मुंडे हिलाएगी और फिर से आ जाएंगे, अब हम आ गए हैं, सीढ़ी चलते चलते दिखा देगी, अब हम आ गए हैं, अब हम कर सोने जा रहे हैं और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे अगले दिन। तो ये बन गया उसका पूरा 1 दिन का ब्लॉग इन मदर का। तो ये बेटी खाला और नानी को अपने साथ साथ इसीलिए रखती है जब भी मौदा जाती है, ताकि इसका कॉन्टेंट बन जाए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, नानी को इतनी सर्दी में ये क्यों लेके आए हैं? बॉम्बे में सर्दी नहीं होती है, बट मोहता यूपी की साइड है, वहाँ पे सर्दी होती है, काफ़ी सर्दी होती है। अब इस उम्र में नानी को एक छोटा सा ईंटों का घर है उनका कमरे जैसा, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है,
बेचारी रानी नानी नीचे बैठे खाना बनाती है, कोई उनको संभालने वाला देखने वाला नहीं है, अकेली रहती है। और वहाँ पे इतनी बड़ी सर्दी में, दिसंबर की सर्दी में, ये इन्हें उठा के वहाँ ले आई है। और ऐसे ही बेटी खाला के बच्चे वहाँ हैं, बेटी खाला पे क्या काम था, बेटी खाला तो अकेली रहती है, इसलिए लेके आई है नानी और बेटी खाला को यहाँ पे सिर्फ अपना कंटेंट के लिए। तो आप लोग इस पे रहम मत करिए, ये बहुत ही शातिर लड़की है, इसको सिर्फ पैसा बनाना है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको कोई सिंपैथी नहीं है अपनी नानी से, इसको कोई बेटी खाला से प्यार नहीं है, और बेटी खाला से ना खाना बना के ले आके आती है। ये डायनेमिक्स तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आए। जब मौदा आई है, बेटी खाला अपना टीन स्टील वाला टीन टिफिन का डब्बा लेके आ रही है ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई, क्यों, ये खाना अपने आप बना नहीं सकती है, बेटी खाला क्यों खाना बना के लेके आती है? और बेटी खाला खाना बना के लेके आती है तो मुझे ये पूछना है कि बेटी खाला इसके सास ससुर के लिए भी खाना बना के लाती है या सिर्फ डब्बा और सनी के लिए लाती है? और अगर सास ससुर के लिए भी लाती है तो फिर भी ठीक है, और अगर सनी और डब्बा के लिए लाती है तो ऐसा क्या है और क्यों लाती है, मुझे जानना है। जब इन्होंने अपनी जिंदगी को सारा खोल के रखा हुआ है तो हमें ये भी बताइए कि ये सब क्यों होता है, कि डब्बा इतनी बिजी है, वो काम तो उसके कुछ है नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, अब खाना क्यों नहीं बना सकते फिर वो अपना, बनाए खाना भी और दिखाएं। वो फालतू की चीज़ें बनाती है अपनी भाभी को कॉपी करके। मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी कि ये अपनी भाभी को कॉपी क्यों करती है, ठीक है? तो ये इसकी भाभी ने हलवा बनाया तो इसने हलवा पे चढ़ गई स्टूल पे, नीचे देखना स्टूल पे चढ़ी हुई है, हलवा बना रही है इतनी बड़ी देगची में, जो मेहनत का काम था वो तो इसने उससे करवा लिया नुकसानाबाजी से। भैया गाजर को धोना छीलना कसना मेहनत का काम है तो वो कौन करेगा, तो नुकसानाबाजी ने छील दिया कसती है, अभी हम हलवा बनाएंगे, फिर अपनी शक्ल बनाएगी, बोली माय गॉड आई जस्ट हेट हर फेस, वो अपना शक्ल दिखाएगी। और उसने दो चार बार चम्मच हिलाया होगा, उसके बाद उसे हो नहीं रहा था, उसमें इतनी जान नहीं है, ताकत नहीं है, उसे मोटापा चढ़ा हुआ है उसे खा खा के, तो वो चढ़ उसकी नुकसानाबाजी ने ही हिलाया होगा, मेहनत करी होगी, और फिर बाद में गंदे नखून इतने बड़े हुए हैं, उसी हाथ से मुट्ठी भर भर के उसने 2-3 चम्मच चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद याद है आपको, अगर आप उसके रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो एक बार इसके सास ससुर बॉम्बे आए थे, तब ये इनको मॉल वॉल लेके गई थी, तो हमेशा जाती है जैसे, तो वहाँ पे जाके कॉफ़ी ले रही थी या चाय ले रही थी, तो वहाँ बोलती है शक्कर मत डालना, शक्कर हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है सेहत के लिए, शक्कर बिना शक्कर के, इतना ड्रामा कर रही थी। तो बेसिकली अपने सास ससुर के सामने होशियारी दिखाती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी, बहुत स्टाइलिश, बहुत हेल्थ कॉन्शियस लड़की हूँ, मुझे सब कुछ पता है, शक्कर ये वो, बेचारे उनको खाने पीने दो जैसे वो खा पी रहे, वहाँ ड्रामा, और यहाँ पे पूरा केक के बड़े बड़े पीस ठूसती है मुँह में, और जूस रात को पीने जाती है, चाय कॉफ़ी पीती है बाज़ारों में जाके, वहाँ बिना शक्कर की चाय कॉफ़ी बनती है इसकी, या कहीं भी कुछ भी खा रही है बिना शक्कर की बन रही है। तो ये एक दिन का ड्रामा कर लेती है और अपने सास ससुर के सामने बड़ी होशियारी मारती है। तो यहाँ पे इसने इतनी मुट्ठी भर भर के शुगर डाल रही है, इतना घी रखा हुआ है, और आई एम सरप्राइज कि ये सब रखा रहता है इसका सामान, तभी आती है जाती है, इसको किसी को कुछ आता पता नहीं कब आएगी कब जाएगी, तो इसका सामान खराब नहीं होता, कौन संभालता है पीछे से। और बस मुझे यही कहना है, मैं इसके ब्लॉग्स देखती हूँ, मैं लाइक प्रीवियस ब्लॉग में बोला मैंने, मैं इसे 3 साल से देख रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ें बहुत लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर ली हैं, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल नॉट बिंग डिस्कस्ड, तो मैं उन सब चीज़ों को उठाऊंगी, तो आप प्लीज़ बने रहिए, और मैं यहाँ पोस्टर लगा दूंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो आज का इसने लेटेस्ट ब्लॉग डाला है, जिसमें मेहर अपनी नानी के, नानी ने एक्चुअली उसकी दादी हुई, दादी के घर बैठी थी बाहर चेयर पे, वो ये घुस जाती है, तो यह अगर ऐसा सीन आता है, उससे पहले उसने वहाँ नाजा खाला के घर भी किया था, जब वो नाजा खाला की बेटी सो रही थी और सीधा कमरे में घुस गई थी, और हम उसे सरप्राइज देंगे, भाई सरप्राइज देना तो शूट मत करो ना, सरप्राइज तो तुम्हें अपना रिएक्शन लेना होता है, तुम्हें आजकल ये रिएक्शन वाला ड्रामा चला हुआ है, सनी कहेगा, सनी नीचे गया, मैं ना ये हलवा सबको खिला के आता हूँ, सबका रिएक्शन लेके आता हूँ, ओ माई गॉड अभी कुछ करने को बचा नहीं, तो सबके फेस पे कैमरा लगा लगा के उनका रिएक्शन लोगे, यही सब दिखा दिखा के पैसा बना रही है और आप लोग को बेवकूफ़ बना रही है। तो थोड़ा सा अपना कुछ और देखना स्टार्ट करिए ताकि आप लोगों को सीख मिले, मतलब टाइम वेस्ट मत करिए, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं अच्छी जो देख के आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ मोटिवेशनल चीज़ देखो, कुछ कुकिंग चीज़ें, कुकिंग की स्किल सीख मतलब इम्प्रूव कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ये सब तो चलता ही रहेगा इनका ड्रामा, बट या आई विल मेक अनदर पॉडकास्ट मे बी टुमारो ऑन
बताओ मुझे किस पे बनाऊँ, मैं भी दीपिका पे बनाती हूँ कल। ऑल राइट, सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।